निकल चुका हूँ दोस्तों, इस जल्दी जल्दी बाज कर आज बता दूँ ये मैं। चलिए मैं बता बोला, एक्चुअली कल क्या हुआ कि मैंने जो गाड़ी जाती है ना डेली सर्विस से यहाँ से देहरादून, उनको फ़ोन किया था, लेकिन भाई साहब ने बोला ये है यहाँ पे बड़े भाई, इन्होंने बोला मैं भी देहरादून आ रहा हूँ बाइक में चलेंगे, और रात को मौसम ख़राब हो गया, अभी फिर खुलने लग गया है और इसी चक्कर में हम रेडी नहीं हो पाए। अभी टाइम 8:30 हो चुका है, अब निकल लें घर से, जबकि हमने वैसे टाइम के मुताबिक 6:30 बजे निकलना था। और ये है बैलों की डेली सर्विस, बैल गाय जो भी हैं उनकी डेली सर्विस है। इधर चले सारे, दोस्तों ये पुपी मार्केट और देहरादून जा रहे हैं, ठंड भी लग रही है। पुपी मार्केट अभी तक पूरी तरह ओपन हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी गांव की गाड़ियाँ आती हैं 9-10 बजे करीब, तब तक और तब तक मार्केट भी खुल जाता है। तो के वर्जान चलो, तो रुद्रप्रयाग के रास्ते जा रहे हैं यार हम लोग, क्योंकि कर्णप्रयाग के रास्ते ना जाम बहुत है आजकल, क्योंकि रोड का काम भी चल रहा प्रॉपर, तो यहाँ से जाना हमारे लिए अच्छा होगा रुद्रप्रयाग के रास्ते। पोखरी से आज रुद्रप्रयाग के रास्ते जा रहे हैं, तो पहले मोहन खाल आता है वहाँ पर रुके थे थोड़ा, उससे थोड़ा आगे पर, और यहाँ पर मुझे देखे काफल अभी कच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, अभी सीजन के पहले काफल खा लेते हैं कच्चे ही सही, क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे कहाँ पर रहती है बुकिंग और खाने को मिले या नहीं मिले उस टाइम पे, लेकिन बड़े लोग खट्टे खट्टे से हो रहे हैं, अच्छे लगते हैं यार। आप में से किस किस ने काफल खाए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और ये बताना कि किस किस के यहाँ काफल होते हैं। बाकी आप यहाँ से निकलते हैं, दोस्तों ये कौन सी जगह है, क्या आपने यहाँ पर कभी खाना खाया है, अगर खाया तो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, और इस जगह का नाम भी लिखना। और बारिश आने लग गई है यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तेज़ तेज़ बारिश आ रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है, मौसम कैसा है। दोस्तों तीन धारा से थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि बारिश का आगमन हो चुका है, बारिश लगी हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो रही है, और उस साइड तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है साइड इस पहाड़ी के पीछे, इस साइड थोड़ा साफ है उधर, तो देखते हैं कैसा रहता है मौसम। अभी तो हम रुके हुए यहाँ पर तीन धारा से, थोड़ा हाथ में कैमरा हो और सड़क के किनारे बैठे हों, अगर हाथ में कैमरा हो और सड़क के किनारे बैठे हों अगर, तो ये ऐसी प्रकृति की जो सुंदर है उसको हर कोई अपने कलेक्शन में जोड़ना चाहेगा। तो मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पर थोड़ा फोटोग्राफी कर लेता हूँ, और क्योंकि आगे का ब्लॉग अब ऐसे ही आएगा, वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रॉपर तरीके से कैमरे में, क्योंकि साउंड ही इतनी ज़्यादा आ रहा है विंड का, हवा अगेंस्ट आ रही कैमरे के। तो आप ये सिनेमेटिक शॉट देखिए आप लोग, और यहाँ से सिनेमेटिक शॉट का आनंद लीजिए आप लोग।